खबर प्रयागराज से है। एसएसपी प्रयागराज द्वारा जारी की गई अपील। मेरी जनपद प्रयागराज वासियों से एक विनम्र अपील है, उसको ध्यान से सुने और उसका पालन करें। आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक आदि पर कुछ लोग लिखते हैं कि फला जगह चलिए, फला जगह धरना है, फला जगह प्रदर्शन है, फला जगह कैंडल मार्च है उसमें शामिल होइए, फला मौलाना आ रहे हैं तकरीर करेंगे, फला नेता जी आ रहे हैं भाषण करेंगे, वहाँ चलिए भीड़ जुटाइए वगैरह वगैरह। इसको देखकर सुनकर बहुत सारे नादान लोग, गुमराह लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, भीड़ इकट्ठी हो जाती है, लेकिन जो इसको आयोजित करने वाले लोग होते हैं वो उस भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। परिणाम यह होता है कि कुछ शरारती तत्व उसमें उपद्रव करने लगते हैं, ईंट पत्थर फेंकने लगते हैं, गलत तरीके की नारेबाजी करने लगते हैं, और उसका दुष्परिणाम यह होता है कि पुलिस और प्रशासन के द्वारा कई बार समझाने बुझाने के बाद, कई बार बल प्रयोग करने के बाद, तब भीड़ वहाँ से भागती है, भीड़ का जमावड़ा खत्म होता है। कई बार पुलिस को मुकदमे दर्ज करके, गिरफ्तारी करके कठोर वैधानिक कार्रवाइयाँ करनी पड़ती हैं। इससे आम जनता का, छात्रों का, छोटे छोटे बच्चों का, आम जनमानस का भविष्य और करियर खराब हो सकता है, जो पुलिस और प्रशासन हरगिज नहीं चाहता है। इसलिए आप सभी लोगों से अपील की जाती है कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें, बल्कि कोई अफवाह फैलाता है तो उसकी तत्काल सूचना पुलिस को दें। यदि ऐसा आप करेंगे तो न केवल आप खुद अपना भविष्य बचाएंगे, बल्कि तमाम ऐसे लोगों का, छात्रों का, युवाओं का भविष्य बचा पाएंगे जो कि अफवाहों पर ध्यान देकर और भीड़ जुटाने का काम करते हैं। आपको बताना चाहूँगा, वर्तमान परिवेश में जो माहौल चल रहा है, इसमें बहुत से शरारती तत्व, गुमराह तत्व, नादान तत्व इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं कि फला जगह पहुँचिए, फला जगह भीड़ लगाइए, फला जगह कैंडल मार्च करिए। कृपया इस तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें, अपना और अपने लोगों का भविष्य और करियर बचाएं। धन्यवाद। जय हिंद। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब, भारत।